हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। न जाने मेरा बेटा ध्रुव कहाँ होगा और कैसे होगा, और मेरा बेटा आकाश न जाने कहाँ होगा। मैं अकेले इतनी आजाद में रहती हूँ, क्या करूं। भगवान मेरी मौत भी तो नहीं देता कि मैं इस दुनिया को छोड़कर मैं राम को प्यारी हो जाऊं। श्याम बिहारी जय मालिक। यही बुढ़िया बैठी है? हाँ हाँ यही बुढ़िया है, झोपड़ी के बाहर बैठी हुई। यही तो सोच रहा हूँ मालिक। ऐ जालिपा आओ। अरे आगे बढ़ो, मालिक बुला रहे हैं। सेठ जी। हाँ कहो, कैसे आना हुआ है? जानना चाहती हो? जी हाँ मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारे पास मैं क्यों आया हूँ? हमारी बहुत जरूरत पड़ी है। तुम्हारे पास काफी जमीन है। ज्यादा जमीन की मुझे जरूरत नहीं है, केवल रोड के किनारे के बगल में तुम्हारी जमीन है, वो जमीन हमारे नाम लिख दो। नहीं। हाँ हाँ सरपा। नहीं। लिख दोगी तो ऐसो आराम करोगी। मैं अपने जीते जी मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। नहीं बेचेगी? नहीं। अच्छा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन का भी नहीं निकालूंगी। अगर मैं अपनी जमीन बेच दूंगी तो मैं कहां किसके सहारे में अपना जीवन गुजारूंगी। अरे इतनी जमीन क्या करोगी? अरे जमीन दे दो मालिक को, ऐसो आराम करोगी। अरे रुपया से जमीन देंगे, इतना रुपया मालिक दे देंगे। नहीं चाहिए मुझे कोई रुपया। जलपा सोच लो, वरना मुझसे बुरा इंसान पूरे इलाके में ढूंढोगी, लौट कर आओगी तो मुझे ही पाओगी। क्या नहीं मालिक? सेठ जी आखिर मेरे दो बेटे हैं, आज नहीं कभी तो वो मुझे जरूर मिलेंगे। अगर मैं अपनी दौलत जमीन बेच देती हूँ तो मेरे बेटे का गुजारा कहाँ होगा सेठ जी? हरामखोर, कहना नहीं मानती है तो काट कर फेंक दूंगा। हरामखोर। बहुत पैसा पाएगी तू, उसी पैसे से तेरा बढ़िया गुजर बसर हो जाएगा, भर पेट आराम से भोजन करेगी। ये तेरे सर पे चिंता बड़ी है इतनी बड़ी, ये तुम्हारा चिंता भी दूर। अरे कमीने, तू भी राजा छूके लिखेगी या नहीं? लिखूंगी। नहीं लिखेगी? नहीं लिखूंगी। बट मालिक ऐसे हराम कर नहीं लिखेगी। नहीं लिखूंगी। अरे बुढ़िया काहे को मार खाती है रे? पहले तुम्हें लिखने में क्या दिक्कत है? सीधे का मुंह साला कुत्ता चढ़ता है। फिर तुम्हें पैसा भी तो मिल रहा है। पैसा तेरे पैसे पे थूकती है। मेरी दौलत
हम तेरा मुंह तोड़ देंगे। दोनों औलाद हैं, मुझे नहीं चाहिए पैसा। चले जाइए मेरे दरवाजे से। चुप कर। इतना और करीबा और ना देखो। अब उसका दस्तखत हो गया, इसका अंगूठा लग गया, अब कोई जरूरत नहीं है, मरेगी घुट घुट कर यहीं पर। मालिक अपना काम हो गया है। मालिक की इजाजत हो तो मैं इसे गोली मार दू। इस कागज को ले जाकर जी मालिक, श्याम बिहारी जी मालिक, इसकी टू कॉपी करा लेना। जैसी आज्ञा है आपकी। उसके बाद काम वकील का होगा। ठीक है मालिक, जो भी लगेंगे 2-4 लाख रुपए लग जाएं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, लेकिन वो जमीन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। नहीं छूटेगी मालिक, लिखा लूंगा उस जमीन को। रुपया जितना भी लग जाए मैं दे दूंगा। जमाल जमाल, पैसे वकील को तौल दूंगा। और क्या मालिक, कहाँ रुपया की अपने पास कमी है मालिक। और ये बुढ़िया ददर की ठोकरे खाएगी और घुट घुट के एक दिन मौत मरेगी सारी। मालिक कहो तो मैं उसे घसीट कर गटर में फेंक देता हूँ। रहने दो, रहने दे, बेहोश पड़ी रहने दो हरामजादी को। हमारी तो इच्छा है कि मैं उसे मार दूँ इसी वक्त। चलिए भाई, हरामजादी भैया, मार जा साली, मार जा। ये साली मरेगी यार, हैं? क्यों रे भैया? चलता हूँ मैं। ये मेरे भगवान, सेठ रतन करने वाले, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मेरी दौलत को जबरदस्ती हड़प कर तूने हमारी दौलत नहीं बल्कि मेरे बेटों के खून के पसीने के लिए गम सहती है, चुप रहती है, ये कैसी लाचारी है।
काहे न समझ के तूने क्यों पहन लिए जंजीरे, जंजीरे कट जाती है कटती नहीं तकदीरे। चुप चुप रहना कुछ ना कहना, इसी का ही श्याम बिहारी जी मालिक, ये बताओ कि हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया? हाँ हाँ मालिक, हॉस्पिटल बन के एकदम तैयार हो गया, डेंटिंग पेंटिंग सब मैंने करवा दिया। बहुत अच्छा किया। मैं किस लिए पूछ रहा हूँ? किस लिए मालिक? क्योंकि बेटी का फोन आया था। अच्छा अच्छा। कि डैडी मैं घर आ रही। तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए बेटी आ जाए तो मुझसे कुछ सलाह ले। ठीक है मालिक, जैसी आज्ञा आपकी। हमारे पास बेटी की सिवा कोई? अच्छा मालिक, मैं सोचता हूँ उसके नाम से ही हॉस्पिटल हो। ये मतलब, ये मतलब। ये बहुत अच्छी बात है मालिक। हाँ, आखिर कौन है? भाई जो कुछ है केवल आपकी बेटी है, इसलिए आने दो, नामकरण कर देंगे। ये क्यों नहीं, ये बात। पिताजी, पिताजी। बेटे, तो चरण कमल में आपके लली झुकाए, चरण कमल में जी, आप ही तो मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं। ताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, आज मैं कितना खुश हूँ, मुझे AMM की डिग्री मिल गई। सच में वाह बेटी, मैं इतना खुश हूँ, क्या बताऊँ, मैं फूली नहीं समा रही। अर्जु को जगो बेटी, तू मुझे यो देता आशीर्वाद। तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे। पिताजी आपका आशीर्वाद रहे बस। जो करता है करतार करता है, और कोई कुछ नहीं करता। पिताजी आज मैं इतना खुश हूँ, मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं खुशियों से फूला नहीं समा रही। आज मैं इतनी बड़ी डिग्री लेकर आई आपके सामने, आपको भी तो खुश होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब खुशियों से फूली नहीं समा रही। पिताजी। बेटी। क्या क्या मैं जानना चाहता हूँ कौन सी डिग्री कर आई है? मैंने बताया तो AMM की डिग्री मैंने ली है। ओके ओके, तुम्हारी बेटी नंबर 1 टॉप थी पूरे कॉलेज में। हाँ, काहे के डिग्री कहके आई है AMM के? AMM नहीं JNM। आपने तो कहा था मालिक, नालायक कहीं की जब नहीं आता है तो क्यों बीच में बोल जाता है? अरे हमका तो सुना नहीं कि हम AMM का डिग्री लेके आए हैं। देखिए कालू राम, माँ बाप को खुशी तब मिलती है तब जब उसके बेटी या बेटा काबिलियत पर आ जाएं। हाँ, कुछ बन के दिखाएं। बनकर दिखाएं, ये रही बात। और हमारी बेटी इतना होनहार है कि नाम मेरा रोशन करेगी। बेटी एक सलाह मैं लेना चाहता हूँ,
पिताजी मुझसे आप सलाह लेना चाहते हैं? हाँ कौन सी सलाह? आप चार चार कंपनियों पांच पांच कंपनियों के मालिक खुद होकर मेरी सलाह लेना चाहते हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि मेरे पिताजी आज मुझसे पूछकर कोई काम करने जा रहे हैं। बोलिए पिताजी क्या बात है? बेटी जी देखिए फैक्ट्री हाँ चलाना जी ये तो मेरा एक बिजनेस है। वो तो है ही, जिससे मुझे चार पैसे मिलते हैं जी। लेकिन तुम मेरी बेटी हो जी पिताजी, और मैं तुम्हारा बाप जी। हाँ बेटी के सिवा हमारे कोई नहीं है जी। नहीं इसलिए इतनी पढ़ी लिखी हो तो हम तुमसे सलाह लेना उचित एवं मुनासिब समझते हैं। क्या सलाह लेना चाहते हो पिताजी, बोलोगे तो? बेटी हॉस्पिटल बंद करके तैयार हो गए, मैं सोचता हूँ कि इस हॉस्पिटल की मालकिन तुम रहो, तुम्हारे नाम से। हाँ ये जो दिखाई दे रहा है यही सब है, तुम्हारे नाम से ये हॉस्पिटल चलेगा। देखो और इसमें लिखा जाएगा तारा हॉस्पिटल, नाम भी अच्छा है। जी पिताजी मैं खुश हूँ, पर पिताजी अगर आप मुझसे सलाह ले रहे हैं तो मेरी एक बात मानेंगे पिताजी? एक नहीं बेटा, दो बात कहिए। क्या बोल रहे थे अभी? तारा तारा हॉस्पिटल, ये तो दो ही अक्षरों का नाम है, ऐसे में हॉस्पिटल का नाम। बेटी अगर तुम्हारा नाम ही दो अक्षर का है तो पांच अक्षर से कहाँ से नाम हो जाएगा? अरे तो क्या हुआ पिताजी, अगर बहुत बड़ा नाम होता तो कितने अनपढ़ गवां लोग आपके अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते हो। अरे वो ठीक। देखिए कालू राम, मैं चाहता तो अपने नाम बनवाता। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है। कुछ है फिर आपके पास? और जो कुछ मैं बनाया केवल अपने औलाद के लिए बनाया। भाई चार चार फैक्ट्री आपके नाम हो गई है। हाँ। हाँ? कितने पेट्रोल टंकी आपके नाम चल रहे हैं? हाँ? इसका कोई था नहीं है। अगर आपने अस्पताल खुलवाई दिए है तो आपने बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि जो मैं ये सोच रहा हूँ हाँ? कि जो हमारे एरिया के आदमी है हाँ? ये जो रात या दिन हाँ? कहीं डिलीवरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, खार आ गया, कोई बात हुई तो कालरा हो जाए, बाहर से जब फोन करेंगे, बाहर से आएगी गाड़ी तब जाएंगे हाँ? और अगर नजदीकी हॉस्पिटल होगा हाँ? तो इन लोगों को फायदा ही फायदा है। तो भाई नजदीक रहे, साइकिल उठा, चुप चुप पे चला जा, घुस जा अस्पताल में। हाँ बेटी तुम क्या कहना चाहती, बोल तुम्हारा इरादा क्या है? पिताजी मेरा इरादा तो ये कहता है कि ये दो अक्षरों का नाम, ये हॉस्पिटल का नाम, ये देखो तारा ऐसे लिख दो, ये नहीं जचता। तो फिर मेरे कहने से आप इसको क्या बताऊं पिताजी, मेरे कहने से आप इस हॉस्पिटल का नाम रखेंगे? बेटी देखिए जी हमारा जो विचार था मैं बता दिया जी, और दूसरी बात ये कोई MBBS डॉक्टर जी तुम्हें ढूंढ कर लाना हो, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी हो हाँ। तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी, और हॉस्पिटल में लाकर रख देंगे और तुम आराम से मालकिन बनी बैठी रहोगी। जी पिताजी ठीक है, आप मेरे कहने से इस हॉस्पिटल का नाम ध्रुव तारा रख दीजिए। हाँ पिताजी मेरे कहने से। नहीं। हाँ पिताजी कितना जच रहा है ना। आना वह ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा भाई ध्रुव। नहीं जानना चाहता हूँ जी कि ध्रुव क्यों आगे लिखाया जा रहा है। पिताजी आप समझे नहीं, ये आसमान में शाम को देखते हैं ऊपर ऐसे, वो जो तारा निकला रहता है उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। अच्छा बस उसी के नाम से मेरा भी नाम जोड़ दीजिए, हो गया ध्रुव तारा। कितना अच्छा लग रहा है ना पिताजी? अच्छा लग रहा है ध्रुव तारा। ठीक है ध्रुव तारा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। सहमत है? चलो तुम कालूराम मालिक बेटी को ले जाओ, जाओ क्योंकि एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी बात है? मान लो कि
कह रहे हैं कि हाँ इसमें नाम ध्रुव तारा होना चाहिए। जी मान लो कभी कभी जांच आ गई तो तो मान लो तारा तो है अपने पास, लेकिन जब लोग बाग ध्रुव को पूछेंगे तो हम किसको साबित करेंगे मान लो? अरे जो आसमान में चमकता ऊपर देखकर कभी देखा है। ठीक है बेटे, तुम मुझसे पैदा हो, मैं तुमसे नहीं पैदा हुआ हूँ। ताजी आप समझे नहीं मामला, हमको लगता है कि ईश्वर ईश्वर अपने भगवान के नाम से, अपने देवी देवताओं के नाम से अपना ये हॉस्पिटल चलाना चाहती हूँ। और रही बात डॉक्टर की, डॉक्टर भी है पिताजी। डॉक्टर है? हाँ हाँ मैं जानती हूँ, वो गोवा में है ना। गोवा में? हाँ। अच्छा, तब विदेशी डॉक्टर आएंगे। बिल्कुल। ओह कोई बात नहीं, फिर तो अस्पताल बढ़िया चलेंगे। गोवा किस विदेश में है रे हरामखोर? अरे जितना जानेगा उतने तो सुनेगा। गोवा कहाँ है? इंडिया। इंडिया, अच्छा बोल पिताजी। मैं गोवा से, एक मेरी सहेली थी उसी का शायद पिता था या भाई था, वो MBBS डॉक्टर है। हाँ मैं सच कह रही हूँ, उसी को बुलवा लीजिए और आपका नाम भी रोशन होगा, मेरे हॉस्पिटल का नाम भी रोशन होगा। ध्रुव तारा, वाह क्या नाम है मेरे हॉस्पिटल का। ठीक है जाओ, तुम आराम फरमाओ। जी, और मैं इसके लिए विचार करूंगा। ठीक है पिताजी, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। ठीक है पिताजी, जाओ। प्रणाम पिताजी। एहमा कौनो प्रकार के डॉक्टर की कमी ना हो, चाहे एकाध डॉक्टर कमर हो जाए, लेकिन सबसे पहले तो नसबंदी वाला डॉक्टर जरूर। कौन डॉक्टर? नसबंदी जो करत। नसबंदी वाला डॉक्टर? हाँ नहीं, कितना मनाई टीम बढ़ावा था। कौन टीम बढ़ा रहा है बोल? संतलाल पहाड़पुर वाले। हम दो, हमारे दो, इसीलिए तो कह रहा नसबंदी का डॉक्टर जरूरी। मैं किस विचार में बेटी को भेजा है? कि आपकी बेटी आगे ध्रुव उसके बाद तारा क्यों लिखा रही है? ये ध्रुव कौन है और तारा कौन है? ये मेरे दिमाग में नहीं बस रहा है मालिक। ठीक है बेटी का कहना तो मुझे करना है, लेकिन हमें इसका पता लगाना है ध्रुव है कौन। यही तो सोच रहा हूँ मालिक मैं, इसीलिए हम हैरान हैं। ये दिमाग में नोट करके रखना। जो मालिक, मैं चल रहा हूँ। चलिए चलिए मालिक। इतना दिन यार हम तो तू ही यहाँ फटफट आने तो क्या हुआ? हाँ सब बड़ा बड़े वो हौदा पे पहुँच जाता है। हौदा नहीं, नालायक ओहदा बोलते हैं। हाँ बड़े बड़े ओहदा पे लोग बाग पहुँच जा रहे हैं। क्यों नहीं? बड़े बड़े अधिकारी हो जा रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन हम सब तो जो है बाथरूम में साफ करत पड़ा ही। अरे नालायक, तब तू पढ़ा लिखा नहीं है, है? तो बाथरूम नहीं साफ करेगा क्या, किसी के घर में बैठ कर आराम करेगा? तुम्हारी जो नौकरी है उसको बजाओ और तुरंत तत्काल मेरे साथ आओ, इसलिए मालिक इंतजार करते हैं। मालिक इंतजार कर रहे हैं? हाँ आओ। चलिए इसी वक्त हम आप चलते हैं। मुनि बाबा। हाँ शेर जी। दुकान खोले कम से कम 2 घंटा हो गया। अबे बोहनी नहीं भाई। अबे बोहनी नहीं भाई। तब अबे ना बोहनी भाई ना कौनो ग्रह कह आवत है। फिर जने तो वैसे लौट जाती तुहार नौने सुने। हमार नौने सुने कहे लौट जाते? अरे हमारे चला जाते, कस्टमर तुहार टूट जाता है कि निशंतिया का मुंह देखब नहीं ठीक हुआ। एकरे लड़का बच्चा रहा थी ओके मुँह देखा ठीक सही रहा था, ये निसंतिया हुआ था ओके मुँह देखा लोग बाग बहुत खराब माना था। का? काना भाई सुबेरे तेली के मुँह देखा, इनका सबका मुँह देखा बड़ा असगुन हुआ था। ओ इसीलिए कम लोग आने लगे। आओ का भाई, अब बुढ़ाई कहा करबे का करबे, दुकान के अलावा कहीं का सके थी। पर्वत कृपया तोहरे पास अब का करे
बेटा तू ध्यान से कर बे इतना काम और बता दे अपना माल तू भेजूगा चुर धाम। और बता दे अपने माल को वरना भेजूगा चुर धाम। अबे बनिया की औलाद क्या चले दादी? क्या हो रहे, कहाँ छुपा रखा है अपनी दौलत को? के बताई से कि हमारे सबके पास दौलत ही है। अच्छा तू कौन है बे? पकड़ मेरी बंदूक। क्या बताई से? मैं बता रहा हूँ जो बताई से झूठ आता है। अच्छा हमारे सबके पास खाए का तो दाना कठोर हवा नहीं है। अच्छा दौलत कहाँ से आई है हमारे पास? दौलत तुम्हारे पास नहीं है ना? अरे बाप रे बाप रे भाई सर, जो हम 400 रुपया ले आता इधर छुट्टी में। मैं 400 रुपया क्या ले? चाले भीख मांगने आए क्या बे? चाले हम लोग भीख मांगने आए हैं। क्यों? अबे बनिया चल बता बता कहाँ छुपा रखा अपनी दौलत? सरदार मुझ पे रहम थोड़ा खाओ, सरदार मुझ पे रहम थोड़ा खाओ, रहम खाओ सर। सरदार मुझ पे रहम थोड़ा खाओ। हाँ सजा जी। न घर का मेरे सामान लेके जाओ, कहो 1-2 लाख रुपया दे दूँ। अच्छा कहो 1-2 लाख रुपया मैं दे दूँ, सरदार मुझको अदम ना पटाओ। तूने सच सच बताया अगर तूने सच सच मुझसे बताया अगर तूने मुझसे सच सच बताया और कर दूंगा तेरा भी मैं चाया। सरदार जी ए हराम ज्यादा ऐसे नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे? रेशमा जी सरदार और ये तुम दोनों जाओ घर से सारा माल लूट लो। ठीक है सरदार जी। ऐसा मत कीजिए सरदार जी। अरे कुछ महो सब खाती खा पिए। चुप। क्या कहा बे? अरे कुछ खाए पिए खाती हम महू का रख दियो तो सब उठाए ले जाबे तो हम दूजने कहा जाऊ काना खा के रह। हराम जादे आज के बाद तुम साले मिट्टी खाओगे। कैसे मिट्टी खाओ? हराम जादे तुझे नहीं मालूम है जब सब कुछ लूट ले जाऊंगा हाँ तो तुझे मिट्टी ही खाना। अरे भाई अरे बाप रे बाप
मारू ना भैया, मारू ना भैया, मारू ना, मारू ना, क्या मारू ना। बहुत बहुत गरीब, बहुत गरीबों का खून। ए भैया हमका छोड़ दे जा। चुपचाप खड़े रह, चुपचाप खड़े रह, नहीं तो भेजा तेरा निकाल दूंगा। अरे सरदार जी, लूट में कौन कौन सा सामान मिला है? ओमक 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 कैंची छुरा रखा है। हराम जादे क्या क्या छाले। ए रुक जा, इधर आ बे, बैठ बैठे बैठ। ओ बे तू नाई है साले, बाल बनाता है? नहीं ना उलो। हां हमार दूजने के विचार ही रहत रहन है कि फर्जी पैसा एक रुपया जाए ना पावे। अच्छा कैंची छुरा हमारे पास हमेशा रहे, बिलेट रहे। हम सोचे हम सेठ की देखा भाई नाऊ खिया जाप ठीक नहीं है, तो कैंची छुरा रह रही, कबो कबो हमार काटे, कबो कबो हम इनके काटे। क्या काटता था बे? बार इनका, यानी कि तू बाल बनाता है? इनका बार हम काट दे, हमार बार काट। पिजर पिजर पिजर, देखो देखो साले को, ये सब प्लास्टिक का यार। हराम है ये प्लास्टिक का। एक एक, एक देखो कितनी चा, बताओ और लेके आओ। स्टील यार सब रख। क्या साले? साले मुझे अंधा बना रहा है नाला एक कुत्ते। गोल्डन ग्लेट है सर, गोल्डन की है। देखिए सरदार जी, इसको भी रखो, सब पैक करो, सब माल गया। रखो और दिखाओ। देखिए सरदार जी, ये भी देखिए सरदार जी, ये भी देखिए, कंगन भी देखिए सरदार जी। बताओ कितना माल हराम जा रहा, सब पैक करो, सब बैग में रखो हराम जा। अरे भैया ऐसे मत करो भैया, मत करो। ये तो मेरी माँ का मंगल सूत्र है। सरदार जी ये आप क्या कह रहे हैं? इसे कैसे मिला? क्यों रे बनिया? सेठ आए कि लक्ष्मी सब जा चाहती यहाँ। क्यों रे बनिया की औलाद, इस मंगल सूत्र को पहचानता है? हाँ सरदार जी। एक कहाँ मिला बे तुझे? परुआ मिला हमका सबको। राम जादे सीधे से बता कहाँ मिला? बता दे। नहीं बताएगा? बता दे। बताऊंगा 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 बताऊंगा। बता साले, कब बताएगा? ये जालपा का है। जालपा का है? एक दिन आई थी मुझसे मदद मांगने। अच्छा। मदद मांगने आई थी अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, जमानत कराने के लिए। 5,000 रुपए मांग रही थी, 5,000 नहीं दिया मैंने, 2,000 रुपए दिया। इस मंगल सूत्र के बदले में वो 5,000 मांगती थी तो तू 2,000 क्यों रुपया दिया बे? बोल इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत 5,000 है, मैंने 2,000 दिया है। देख रहे हो सरदार जी? एम्मा हम सब बता देना कि हम आधा पीतल आया था। क्या थाले? क्यों रे बनिया, तूने इसका 5,000 क्यों दी? नहीं दिया रे उड़ा हंटर, तू 2,000 रुपया देकर उस बुढ़िया को, उस बुढ़िया को लूट लिया हरामजादे। मारू ना सरदार जी, ऐसे इंसान का इस धरती पर जीना ठीक नहीं है। रेशमा खत्म कर दो हरामजादे को। मेरी राइफल लाओ। ये लीजिए सरदार जी। हरामजादे? नहीं सरदार जी ऐसा मत करो सरदार जी। मारो ना सरदार जी, आज मैं मरना नहीं चाहता सरदार जी। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है सरदार जी। हराम मरना नहीं चाहता। क्या दे नाराय मार गया सारा पन्या। क्यों रे कुत्ते,
क्या बचा है भी? सरदार जी हमका ना मारा भैया, हमरे 12 लड़का है भाई। तेरे 12 बच्चे हैं? हाँ भैया 12 लड़का है। तेरी बीवी कैसी है भाई? ठीक ठाक ही है। साथियों सरदार जी, सरदार जी डाल दो डाका इस घर में साले के। ठीक है सरदार जी, की बीवी को लूट ले चलो। ठीक है सरदार जी, उतरा मेहरारू हमका मिले ना सरदार जी। सरदार जी मिले ना सरदार। सरदार जी क्या है? छोड़ो इस हरामजादे को, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चलिए, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। चलो चलो। माँ भवानी की। बोलो माँ भवानी की। अरे बाप रे बाप।